बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। तमाम तारीफें रब रब के महबूब की हैं। शुक्र है उस ज़ात का जो तमाम जहानों का खालिक मालिक राज़िक है। मेरा भाई अली अमीन गंडापुर की तरबियत को सलाम है, इसकी असमत को सलाम है, इसकी शुजात और जुर्रत को सलाम है। जनूबी असला जिसका कोई वाली वारिस नहीं था, जिसको हर दौर में बुनियाद से दूर रखा गया, इसीलिए आज नॉर्थ साउथ वजीरस्तान, इसीलिए आज कुरम एजेंसी और एग्जई एजेंसी, इसीलिए डीआई खान, टांग, लकी, बनू, करक, कोहाट, हंगू, ये हमेशा आजमाइश में रहे हैं। और इन आजमाइश की घड़ियों में जब जुल्म हद से बढ़ गया, रियासती जबर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़े और पाकिस्तान की सियासत के नाम निहाल वो डेमोक्रेट्स जो अपने आप को कुछ समझते थे, उनको भी आपने देखा कि वो कैसे झुके, कैसे उनकी कीमतें लगी। लेकिन मेरी इस भाई ने जो हमारी पख डेबू शबला, हमारी गैरत, हमारी अजमत को अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रखा है, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, जनूबी असला की तरफ से अपने भाई की इस शुजात, इस बहादुरी पे इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मेरे पाकिस्तानियों, ये वो कौम का बेटा है जो कि आम घर में पैदा होने के बाद तमाम सहूलियात, ये जो सोबतें हैं, ये तो फिर जिनका होने का यकीन अल्लाह से हो और जो अल्लाह के महबूब की आल के मानने वाले हों, वो सिर्फ रब के सिवा किसी और के आगे ना झुकते हैं ना उनकी कीमत लगती है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि कौन सा ऐसा अरबा नहीं हुआ होगा इन पे कि जिससे इनको झुकाया जा सके, डराया जा सके, इनको चुप कराया जा सके। लेकिन ये मेरा मैसेज है यहाँ के नाम निहाद जो दीन के ठेकेदार हैं कि इंशाल्लाह तुम लोगों की सियासतें ख़त्म हैं। और वो तमाम लोग जो किसी भी हवाले से जनूबी अजला की गैरत के हवाले से कुछ सोच रखते थे, तो ये है जनूबी अजला की वो गैरत, ये है वो सपूत जिसने अपनी धरती के साथ, इस मुल्क के साथ, अपने शहर के साथ और अपने लीडर इमरान खान के साथ जो वफा किया है, इसको सुनहरी अल्फाज से याद रखा जाएगा। और सलाम है मेरे लीडर को कि जितने भी हमारे लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है, अगर किसी का पुरतक पाक इस्तकबाल किया जिसके ऊपर आज इमरान खान